स्वागत है दोस्तों आपके हमारा YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि बाइनेंस ने एक और अनाउंसमेंट की है कि वो एक और कॉइन को लिस्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है आरवेव, AR जिसका सिंबल है। तो यहां पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ही चलते हैं इसके जो अनाउंसमेंट है यहाँ पर, जिसको आप पढ़ सकते हैं खुद भी। बाइनेंस विल लिस्ट आरवेव एंड ओपन ट्रेडिंग फॉर AR, BTC, BNB, BUSD एंड USDT, यानी कि चार पेज में ट्रेडिंग अवेलेबल होगी। और होगी कब? आज 14 मई 2021 को 12 PM UTC। 12 PM UTC का मतलब है शाम के 5:30 बजे। तो फिलहाल तो 10:30 बज रहे हैं, तो अभी बहुत टाइम है। अगर आप इससे पहले इसे खरीदना चाहते हैं तो फिर आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट लाइन में ये लिखा है कि यूज़र कैन नाउ स्टार्ट डिपॉजिटिंग AR इन प्रिपरेशन फॉर ट्रेडिंग। अगर आपके पास कहीं और जैसे कि दूसरी एक्सचेंजेस या वैलेट में पड़े हुए हैं तो आप उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके बाइनेंस पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ साइट्स दी हुई है ऑफिशियली इनकी, जिन पर आप विज़िट करके इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हम अब चलते हैं कि आप इसको कैसे खरीद सकते हैं उस पर। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मैंने निकाल दिया है कॉइन मार्केट कैप पर आरवेव का सिंबल, यानी कि आरवेव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रैंक है वो कॉइन मार्केट कैप पर 87 है, और इसका जो करंट प्राइस है वो 39 और 40 डॉलर के बीच में है। और इसकी जो इसमें अभी देख सकते हैं आप 31% का हाइप आ चुका है, क्योंकि ये बाइनेंस पर लिस्ट होने जा रहा है। यहाँ से आप इसके जो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये वाला जो सेक्शन है। और रही बात मार्केट की कि ये कहाँ कहाँ पर लिस्टेड है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सी एक्सचेंजेस है जिस पर ये पहले से लिस्ट है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके रेफरल लिंक मिल जाएंगे जो कि मेरे हैं। तो अगर आपके इन में से किसी एक्सचेंज पर आपका अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ पर क्लिक करके उस पर बना सकते हैं। मेरे पास सभी एक्सचेंजेस के लिंक्स नहीं है, बट मैंने इनमें से कुछ एक एक्सचेंजेस में अपने अकाउंट बनाया है, जैसे कि MXC.com, UOB Global, Gate.io। इन पे मैंने अपने अपने अकाउंट पहले से बनाए हुए हैं। और अगर आपके पास बाइनेंस का भी अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके उस पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए पहले UOB पर देखते हैं। अब UOB के यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप इथेरियम के पेयर पे खरीद सकते हैं, और यहाँ पे ये जो AR है इसको आप BTC के पेयर में खरीद सकते हैं, और यहाँ पर आपके जो है USDT के पेयर में खरीद सकते हैं। तो हम USDT वाला क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो UOB ग्लोबल की जो है साइट वो खुल चुकी है। यहाँ पर इसका चार्ट और प्राइसेस जो है वो लोड हो रहे हैं अभी, ये देख सकते हैं आप साइड में। ये ऑर्डर बुक है नहीं, ये दूसरे कॉइन्स हैं इसकी ऑर्डर बुक। यहाँ पर ये रही साइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करंट प्राइस है ये रहा $40। और यहाँ पर अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस पर साइन अप करने के बाद लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपने इसको सर्च करना है, ये वाला जो कॉइन नेम है इसको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपने ये जो नीचे यहाँ पर ये वाला जो मार्केट है ये वाला मार्केट प्राइस करना है, और यहाँ पर जो टोटल लिखा हुआ है टोटल की जगह अगर आपने जितने भी USDT का लेना है, तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल 10 करता हूँ। तो ये दिखा नहीं रहे हैं कि मुझे कितने मिलेंगे, तो यहाँ पर आपने अमाउंट डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक बाय का ऑप्शन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपके ये जो UOB वाले साइट है इस पर आपके पास जो है
AR आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक मैं gate.io का भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये gate.io की जो एक्सचेंज है, और यहाँ पर भी आपने सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपने लॉगिन किया है तो उसके बाद आपने ये वाला कॉइन AR लिखा हुआ है, इसके बाद USDT वाले पेयर में इसको सर्च करना है, और उसके बाद ये जो नीचे यहाँ पर ये वाला सेक्शन बाय करने का है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये जो मार्केट लिखा होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है, सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही है। तो आपने यहाँ पर ये देखिए, ये पहले से ही लिमिट लगी हुई है यहाँ पर, ये जो 40.26 है, ये इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से, अगर जिस भी रेट पर आप चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और ये जो नीचे अमाउंट लिखा हुआ है, अगर आपको एक चाहिए या फिर 10 चाहिए, जितने भी आपको AR चाहिए उसकी क्वांटिटी आपने लिख देनी है। और यहाँ पर एक बाय का ऑप्शन आएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये आ जाएंगे आपके gate.io वाले वैलेट में, यानी कि इस एक्सचेंज में। तो ये यहाँ पर मैंने दो आपको बता दी, अब तीसरी मैं mxc.com पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये खुल रही है, तो ये देखिए ये खुल चुकी है। लगभग सेम ही जो होता है प्रोसेस होता है हर एक एक्सचेंज पर होता है बाय और सेल करने का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कॉइन का नाम है ऊपर AR, और यहाँ पर ये इसका ग्राफ है। तो ये आपको कुछ यहाँ पर हाइप दिख रहा होगा, ये देखिए, क्योंकि इस टाइम जो है ये Binance की जो ऑफिशियल न्यूज़ आई थी कि वो उसको लिस्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लिमिट ऑर्डर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये यहाँ पर मार्केट पर आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप मार्केट पर सिलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर जो इस वाले कॉलम में, ये जो दूसरा वाला कॉलम है, तो उसके बाद आपने जो है यहाँ पर और यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो डाल देना है। तो दोस्तों मेरा फ़िलहाल यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली ये जो USDT वाला लिखा हुआ है नीचे टोटल, यहाँ पर आपने अपना अमाउंट डालना है कि कितने USDT का आप ख़रीदना चाहते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो बाय AR लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके जो है इसके वैलेट में mxc.com के वैलेट में आपको AR दिखाई देंगे, फिर आप वहाँ से अपने AR को अगर चाहें तो Binance Exchange पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और आगे भी आप सबसे पहले ऐसी न्यूज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।